राजस्थान पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हमारी क्लास सिक्स का जो सिक्स चैप्टर है द अनवांटेड गेस्ट, अनचाहा मेहमान, इसको रीड करेंगे। थीम है इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये दिमाग की उपस्थिति के बारे में बता रहा है। किक स्टार्ट मतलब इसके बारे में हम जानेंगे। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन साकी स्टोरी, ये जो प्ले है ये साकी की स्टोरी पर बेस्ड है, आधारित है। इसकी स्टोरी का नाम है द मिरेकल मर्चेंट, जो कि साकी ने लिखी है और उस पर ही ये पार्ट जो है, ये प्ले जो है वो उस पर आधारित है। हाउ एवर, कीपिंग इन माइंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए स्टेज सेटिंग, आपको अपने दिमाग में जो इसके अंदर प्रतिबंध लगे हुए हैं उसको आपको ध्यान रखना है। सर्टेन लिबर्टीज हैव बीन टेकन विद द टेस्ट, और कुछ शब्दों के साथ कुछ स्वतंत्रता ली गई है, हमने कुछ चेंज किया है। टू फ्रेंड ऑफ हिज मदर, अपनी माता जी के दो दोस्त, हु डू नॉट सी आई टू आई, जो एक दूसरे को आंखों से देखना पसंद भी नहीं करते हैं, आर शेड्यूल टू बी एट देयर कंट्री हाउस एट द सेम टाइम, उनका एक शेड्यूल बना कि वो उनके जो घर का उनका घर है वहाँ पर वो उसी वक्त दोनों एक समय ही आने वाले थे। सो क्लोविस द सन ऑफ मिस्टर ब्यू विसल, तो क्लोविस जो कि मिसेज ब्यू विसल का सन था, टेक्स अपॉन हिमसेल्फ द टास्क ऑफ टेकिंग ए ट्रिकी सिचुएशन फॉर हिज मदर। तो मिसेज ब्यू विसल का जो सन था क्लोविस, उसने एक अपने ऊपर टास्क लिया, जिम्मेदारी ली, जो कि ये मुश्किल भरी ट्रिकी सिचुएशन मतलब मुश्किल भरी जो परिस्थिति थी उसको टैकलिंग मतलब सामना करने की, फॉर हिज मदर, अपनी मदर के लिए। देयर ओल्ड ट्रस्टेड बटलर प्ले स्टिलर रोल इन द एंटायर एक्ट, उनका जो पुराना विश्वसनीय बटलर मतलब जो नौकर था, प्रमुख नौकर, प्लेज ए स्टिलर रोल, उसने एक स्टिलर मतलब प्रसिद्ध या बहुत अच्छा रोल किया इन द एंटायर एक्ट, इस पूरे एक्ट में। अल्बेट विदाउट बींग टोल्ड ऑफ एक्चुअल सिचुएशन, अल्बेट मतलब हालांकि, जबकि उसको इस पूरी सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, तो भी जो उनका बटलर था मतलब जो प्रमुख नौकर था उसने बहुत अच्छा काम किया। रीड दो द ह्यूमरस अकाउंट ऑफ हाउ इंटेलिजेंटली क्लोविस हैंडल्स द होल सिचुएशन, हम ये अकाउंट, ह्यूमरस अकाउंट मतलब विनोदपूर्ण लेख, हम ये लेख पूरा पढ़ेंगे जिसमें कि मालूम पड़ेगा कि क्लोविस ने कितनी समझदारी से इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरी परिस्थिति को किस तरीके से उसने हैंडल किया। यहाँ पर कैरेक्टर बताए गए हैं, मिसेज ब्यू विसल, क्लोविस उनका सन है, स्टोरीज द बटलर प्रमुख सेवक है, जेन मार्टलेट ये मिसेज ब्यू विसल की गेस्ट हैं। डाइनिंग रूम इन मिसेज ब्यू विसल्स कंट्री हाउस, मिसेज ब्यू विसल के जो कंट्री हाउस था, गांव का जो घर था, वहाँ का डाइनिंग रूम के यहाँ बताया गया है। मिसेज ब्यू विसल इज सीटेड एट द टेबल, मिसेज ब्यू विसल जो थी वो अपनी टेबल पर बैठी थी। शी इज़ हैविंग हर ब्रेकफास्ट, वह अपना ब्रेकफास्ट ले रही थी, नाश्ता कर रही थी। एंटर क्लोविस, और वहाँ पर क्लोविस प्रवेश करता है। अब मिसेज ब्यू विसल के लिए, आई हैव जस्ट हैड अ लेटर फ्रॉम डोरा बिथलॉस टू से शी इज़ कमिंग ऑन थर्सडे, मिसेज ब्यू विसल कहती है कि मुझे अभी अभी लेटर मिला है डोरा बिथलॉस का, मिथोल्ज का, और वह कह रही है कि वो थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन वो यहाँ पर आ रही है। क्लोविस कहता है द नेक्स्ट थर्सडे इजेंट रदर ऑकवर्ड, कि वो अगले गुरुवार को ही यहाँ पर आ रही है, यह ऑकवर्ड, ये मतलब बहुत ज़्यादा चिंताजनक वाली बात नहीं है, क्वेश्चन कर रहा है मतलब ये चिंताजनक वाली बात है, ऑकवर्ड मतलब परेशान करने वाली, चिंता देने वाली। मिसेज ब्यू विसल कहती है वाई ऑकवर्ड, ये परेशान करने वाली या चिंता देने वाली बात क्यों है। क्लोविस कहता है जेन मार्टलेट हैज़ ओनली बीन हियर 5 डेज, क्योंकि उनकी एक फ्रेंड जो थी जेन मार्टलेट, वो वहाँ पर उनके घर पर ही थी, तो उसको आए अभी 5 दिन ही हुए थे। एंड शी नेवर स्टे लेस देन ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन, और वो जब भी आती है तो 15 दिन से पहले वो वहाँ से नहीं जाती है। यू विल नेवर गेट हर आउट ऑफ द हाउस बाई थर्सडे, और गुरुवार तक आप उसको अपने घर से वापस भेज नहीं सकते हैं, उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मिसेज ब्यू विसल कहती है वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँगी, शी एंड डोरा आर गुड फ्रेंड्स, कि डोरा और जो जेनी हैं वो दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। आरंट दे, क्या वे मित्र नहीं हैं, दे यूज टू बी वे मित्र हुआ करते थे। क्लोविस कहता है दे यूज टू बी वे फ्रेंड हुआ करती थी, दैट्स वॉट मेक्स देम सच बिटर एनिमीज नाउ, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी घटी जिससे वो एक दूसरे के बिटर एनिमीज मतलब कटु शत्रु, एक दूसरे के बहुत बुरे एनिमीज बन चुके हैं। मिसेज ब्यू विसल,
बट वॉट हैज़ हैपन्ड, लेकिन क्या हुआ? वॉट हैव दे क्वारल्ड अबाउट, किस कारण वो आपस में झगड़े हैं? क्लोविस कहता है हैन के कारण। मिसेस ब्यूविसल है, हैन वॉट हैन, कौन सी हैन के बारे में, कौन क्या है हैन का मामला, उसको पता नहीं था। क्लोविस कहता है इट वॉज ए ब्रॉन्ज लैंगहॉर्न और सम सच ब्रीड, यह ब्रॉन्ज लैंगहॉर्न या इसी तरह की किसी प्रजाति की मुर्गी थी। एंड डोरा सोल्ड इट टू जैन एट ए रदर हाई प्राइस, और डोरा ने इसको जो जैन को बेचा था बहुत ज़्यादा प्राइस पे, बहुत अच्छी कीमत पर इसको बेचा था। मिसेस ब्यूविसल कहती है इफ़ जैन एग्रीड टू द प्राइस, यदि जैनी जो थी वो इस कीमत के लिए सहमत थी, आई डोंट सी वॉट देयर वॉज टू क्वारल अबाउट, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होने वाली क्या बात थी। क्लोविस कहता है वेल यू सी, अच्छा आप देखो, इट टर्न आउट द बर्ड वुड नॉट ले, ये जो पक्षी था, मुर्गी जो थी, वो अंडे नहीं दे रही थी। एंड आई टोल्ड दैट द लेटर्स विच पास बिटवीन द टू वुमेन वर एक्सट्रीमली रूड, और मैंने सुना है जो उन दोनों के बीच में जो शब्दों का आदान प्रदान हुआ, जो उन्होंने एक दूसरे को शब्द बोले आपस में दोनों महिलाओं ने, वो बहुत ज़्यादा रूड, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर या बहुत ज़्यादा गंदे शब्द थे। मिसेस ब्यूविसल कहती है हाउ रिडिक्यूलस, क्या हास्यास्पद, रिडिक्यूलस मतलब हंसने वाली बात है। कुडंट सम ऑफ देयर फ्रेंड गेट डाउन टू द एंड द क्रूअल, क्या उनके कुछ मित्रों ने उनका जो झगड़ा था वो समाप्त नहीं किया। क्लोविस कहता है पीपल ट्राइड, लोगों ने कोशिश की। जेनी वॉज विलिंग टू टेक बैक सम ऑफ हर मोस्ट इंसल्टिंग रिमार्क्स इफ डोरा वुड टेक बैक द हैन, जेनी ने कहा, जेनी वॉज विलिंग टू टेक बैक, जेनी तैयार थी अपने कुछ बहुत ज़्यादा जो उसने इंसल्ट वाले शब्द डोरा को बोले थे उसको लेने के लिए, यदि अगर डोरा जो है वापस अपनी मुर्गी ले ले, और तो जेनी ने भी जो गलत शब्द बोले वो वापस अपने रिमार्क्स लेने को तैयार थी। कंडीशन उसने ये रखी थी कि डोरा जो है वापस उसकी मुर्गी ले ले। मिसेस ब्यूविसल एंड डिड शी, क्या उसने ऐसा किया? क्लोविस कहता है नो शी सेड दैट वुड बी एडमिटिंग शी वॉज इन द रोंग, उसने कहा नहीं, उसने कहा कि वह खुद गलत है, मतलब जेन गलत है, एंड डोरा वुड नेवर डू देट, और डोरा अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मतलब वो मुर्गी वापस नहीं लेगी। मिसेज ब्यूविसल कहती है हैविंग बोथ ऑफ देम हियर वुड बी ए मोस्ट ऑकवर्ड सिचुएशन, अगर वो दोनों यहाँ आ गई तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक वाली सिचुएशन स्थिति हो जाएगी। डू यू सपोज दे वॉन्ट स्पीक टू ईच अदर, क्या तुम्हें अनुमान है कि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं? क्लोविस कहता है ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, द डिफ़िकल्टी विल बी टू गेट देम टू स्टॉप स्पीकिंग, वो दोनों बात नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो दोनों आपस में, उनको बोलने से रोकना ही सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखेंगी तो दोनों आपस में लड़ लेंगी, तो इसलिए सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि हम दोनों को आपस में, उन दोनों को बोलने से रोकना है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।